यार प्लेटफॉर्म कितना खाली है, कोई भेल वाला वगैरह कोई है नहीं, वरना मजा आता, भेल पॉपकॉर्न है ना। लग गई, आई मीन ट्रेन लग गई फाइनली। रशियन रेलवे की सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगी? So, एक और बात रशियन रेलवे की बहुत शानदार लगी, मजा आ गया सुन के, कि ये माइक्रोवेव ये जो भी है ना सब चीज आप यूज कर सकते हो। जी हाँ, तो फाइनली हम पहुंच गए सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन के बाहर। जैसे ही आते हो तो बहुत खूबसूरत नजारे, बहुत खूबसूरत सड़क है। तो फाइनली रशिया सीरीज रिज्यूम होती है और ये है 10th वीडियो। 9th वीडियो था मॉस्को के नाइट लाइफ के बारे में, और उसके बाद मैंने 4 वीडियो काबुल अफगानिस्तान के डाले थे। अब फाइनली वापस रशिया सीरीज रिज्यूम होती है, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लेलिस्ट में आप इजीली सब चीज लाइन सर देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली वो वक्त आ गया है जब हम रशिया में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं ट्रेन से जा रहे हैं। जी हाँ, फ्लाइट्स भी ऑप्शन है और लगभग ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़्लाइट्स ट्रेन से सस्ती होती है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला रहता है ना, मतलब दूर रहता है 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर शहर का डिफरेंस रहता है, तो उसमें तो इनफैक्ट फ़्लाइट सस्ती भी होती है। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग के लिए मैं सोचा ट्रेन ही बेस्ट है, क्योंकि चीप भी था नो डाउट, पैसे की वो इतना बात नहीं है, 500-700 रुपये का ही फ़र्क था, लेकिन ट्रेन एक्सपीरियंस करना था, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैंने ट्रेन की टिकट निकाली है, और अभी ये वीडियो में आपको सारी यही चीज़ पता चलेगी कि आप मतलब मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह जो भी है ट्रेन टिकट्स बुक कैसे कर सकते हैं, कैसे जाने का, ट्रेन एक्सपीरियंस कैसा है, और सारी चीज़ें आपको मिलेगी ये वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ गाइज, कि अगर आपको रशिया में रेलवेज यूज़ करना है तो सबसे पहले ना एक ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा RZD ऐप। ये देखो मैंने फोटो इधर लगा दिया है, ये आपको प्ले स्टोर वगैरह में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर दो। इसमें ये रशियन रेलवेज का ही ऐप है, और इसमें आप ना सारी चीज़ें पता लगा सकते हो कि मॉस्को से पीटर्सबर्ग की ट्रेन वगैरह कितनी है, क्या है, सारी डिटेल्स आ जाएगी, सीट्स आ जाएगी कि इतनी सीट्स है, अपर इतनी है, लोअर इतनी है, रेट इतना है, रेट भी आ जाता है। एक चीज़ बता दूँ कि ये पूरा रशियन रेलवेज है ना पूरा शेयर मार्केट की तरह इतना ऊपर नीचे होता है, इतना फ्लक्चुएटिंग होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है। जो 3500 की टिकट है वो कभी कभी 2200 में मिल जाती है, और जो 1800 की टिकट है वो 3100 की हो जाती है विद इन सिक्स मिनट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा फ्लक्चुएशन हो जाता है सीट्स और कैंसिलेशन के हिसाब से, खतरनाक है। तो वो ऐप में ना आपको पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें पूछते हैं साइनअप के टाइम, अगर आपको ऐप से बुक करनी है तो। तो मेरा क्या पंगा हुआ मुझे भी नहीं पता, लोगों का ये हो रहा है, ऐप से ही बुकिंग हो जाती है, इंडियंस की भी हो जाती है, लेकिन पता नहीं मेरा वो एरर बता रहा है, फॉरेन डॉक्यूमेंट इनवैलिड बता रहा है, मतलब पासपोर्ट मैंने जो फ़ोटो खींच के ऐप में जो अपडेट किया ये जो डाला है वो एरर बता रहा है, पता नहीं मुझे क्यों वो एरर दिखा रहा है, लेकिन दिखा रहा है कोई बात नहीं। तो कल ना जैसे ही मैंने 2-4 बार ट्राई किया और एरर बताया, तो मैंने क्या सोचा कि मैं फिजिकली जाता हूँ और टिकट ले लेता हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ लेनिनग्राड की स्टेशन, जहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रेनें जाती है। ये मैप का फोटो बाजू में ही दे रहा हूँ, आप मॉस्को में किधर भी रुके हो तो रेड लाइन मेट्रो स्टेशन से आप पहुंच जाओगे 60 रूबल्स में, चाहे कोई भी किधर भी आप रुको, मेट्रो से आप लेनिनग्राड की ये स्टेशन पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बस जैसे ही एंटर करते हो तो इधर ही है टिकट काउंटर्स वो सब। तो कल मैं आया शाम को और मैंने ना टिकट ले ली, मतलब कैसा किया कि इनको इंग्लिश नहीं आती है किसी भी टिकट वालों को, मतलब इंग्लिश या बहुत लिमिटेड लोगों को आती है, चू चू मतलब कम थोड़ी थोड़ी और ना के बराबर आती है। तो क्या करना कि RZD आप भले ही आपका यूज़ ना हो, मतलब आपका भी मेरे जैसे एरर आता हो, फॉरेन डॉक्यूमेंट नहीं भी वो पकड़ता हो मेरे जैसे एरर आता हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऐप बहुत काम का, बिकॉज उसमें आपको पता तो चले कि कौन सी ट्रेन है, कितने बजे की और रेट क्या है वगैरह, तो आप वो फोटो भी बता सकते हो, मतलब ऐप का मैं भी बता सकते हो कि मेरे को ये ट्रेन बुक करनी है, तो वो आपका ट्रेन बुक करके टिकट हाथ में दे देंगे, दैट्स इट। और पासपोर्ट लेके आना या फिर पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी जो मोबाइल में वो दिखाना, बिकॉज ये पासपोर्ट नंबर सारी चीज़ें डालते। तो ये रही टिकट और ये रहा पासपोर्ट और ये रहा एंट्रेंस, और मैं एंटर कर रहा हूँ और देखता हूँ मेरी ट्रेन वगैरह है। शाम की 6:30 की है, अभी बजे है 5:30, 1 घंटा बाकी है ना। रात की ट्रेन होती है तो बहुत अच्छा आता है, ट्रेन में जाके सोना रहता है, सुबह चुपचाप उठ जाओ मस्त और सीधा सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन वही बात है कि ट्रेनें फुल खचाखच भरी हुई, एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, और रेट्स मतलब जो खाली है उसके 6000-7000 रुपया रेट था। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, एक काम करता हूँ, ये शाम की ट्रेन मिल रही है 6:30 की और उसमें भी 2 सीट्स अवेलेबल थी लकीली, तो मैंने सोचा कि ये बुक कर लेता हूँ, 1700 रुपये की पड़ी है मुझे, और रियल में रेट चीप है क्योंकि ये स्लीपर कोच है, मैंने सीटिंग कोच तो 900 रुपये भी मिल जाती है, लेकिन सीटिंग में नहीं जमता है मेरे को, 7-8 घंटे की जर्नी भाई, स्लीपिंग कोच जिंदाबाद है।
तो कभी भी कहने का मतलब ये ध्यान रखना कि ऐसे मत सोचना कि सीट्स आपको इजीली मिल जाएगी। ये जो हॉट रूट्स रहते हैं ना, मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग या सेंट पीटर्सबर्ग टू मॉस्को वाइस से वर्सा, तो ये काफ़ी हॉट सेलिंग रूट्स है, तो इसमें टिकट्स कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो आप है ना पहले से 2-3 दिन पहले से ही बुक कर लेना, ऑनलाइन होता है RZDF से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर ये यहाँ पे फिजिकली आ जाना 1-2 दिन पहले जाने से, और यहाँ पे से टिकट ले लेना, जो आपको अच्छी ट्रेन मिल जाएगी और रेट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than Aaliyah. So basically ये सैपसन ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन, जिसका किराया 5-6 हज़ार रुपये होता है, और ये 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम 3 और 4 घंटे के बीच में पहुँचा देती है मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग या फिर वाइस से वर्सा। हो सकता है कि मेरे वीडियोस में कभी कभी आपको स्टार्टिंग में बोर लगे, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लेकिन वही बात है कि सबर का फल मीठा होता है और उसके बाद तो मज़ा ही आता है वीडियोस में, है ना यार। प्लेटफॉर्म कितना खाली है, कोई भेल वाला वगैरह कोई है नहीं, वरना मज़ा आता, भेल पॉपकॉर्न है ना। लग गई, ट्रेन लग गई फाइनली, 20 मिनट बचा है डिपार्चर को, यही ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पे मैं था वहीं पे है ये ट्रेन, और ये हमें लेके जाएगी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। 18:45 यानी कि 6:45 की एग्जैक्ट टाइमिंग है शाम की, और अभी बजे है 8:25, तो 20 मिनट एग्जैक्ट बचे हैं ट्रेन को रवाना होने के लिए। और ठंड बहुत है, क्योंकि पूरे दिन बारिश चली, जिसकी वजह से अभी कड़क ठंड है, बहुत ठंड है इनफैक्ट। तो सोचो ठंडी में क्या हालत होती रहेगी, ठंडी में भी एक बार आने गए, बर्फ़ बर्फ़ हर जगह बर्फ़ रहता ना, ये तो समर है रशिया का, ठंडी में भी आने गए, मज़ा आ जाएगा ना। ठंड में लेकिन कब आओगे पता है, जब शादी हो जाएगी ना तब। ओह माय गॉड, वाओ। यहाँ पे फिलहाल तो कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जिसको मैं पूछ सकूँ, मतलब नॉर्मल पब्लिक को मैं फिलहाल नहीं पूछना चाहता हूँ, कोई अगर दिखे यहाँ का टिकट कंडक्टर या फिर कोई पुलिस या फिर ऐसा कोई दिखे रेलवे पुलिस वगैरह तो उनको पूछ लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक टिकट में समझ में आ रहा है 13 वैगन नंबर है, मतलब कोच नंबर हो गया, और 38 सीट नंबर लग रहा है मुझे, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है टिकट के हिसाब से। और ये ट्रेन अभी खुल रही है, और आप देख सकते हो कि प्रिपरेशन हो रही है सब लोकल्स लोगों की भी ट्रेन में प्रस्थान करने के लिए, लोकल या फिर फॉरेनर जो भी है। ये कोच नंबर 12 है, अपने को बगल में जाना है, ये रहा मेरा कोच 13, होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। अभी यहाँ पे ये मोहतरमा पासपोर्ट और टिकट चेक करेगी, और उस हिसाब से सीट मतलब हेल्प करेगी, अगर आप पूछोगे तो सीट बताने में, दैट्स इट। टू टायर एसी वाला सीन है कि दो सीट्स रहती है, मतलब 4 सीट है ये कंपार्टमेंट में, और 2 सीट ये रहेगी, मतलब 6 सीट हो गई। 2 टायर AC रहता है ना हमारे यहाँ पे, बस सेम वही सीन है। फ्लैशबैक 1700 रुपये की टिकट है, और 6:45 को रवाना होगी शाम में, और कल 5 बजे सुबह सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन उतारेगी, ठीक है। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. रशियन रेलवेज की सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगी पता है, ये जो नीचे सीट है ना
उसके ऊपर एक गद्दा है, गद्दा दे रहे हो, सही है, मतलब नीचे सीट पे नहीं सोना है आपको, हर गद्दा बिछाना है और वो चद्दर बिछानी है ऊपर, क्या बोलते हैं गद्दे की वो शीट और ब्लैंकेट वगैरह और पिलो वगैरह तो ठीक है देते ही है, बट ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि सीट के ऊपर भी एक मैट्रेसिस वो दे रहे हैं। और वहाँ दो मोहतरमा है जो पासपोर्ट, टिकट और टेम्परेचर चेक करने आ रहे हैं। देखो हाथ में टेम्परेचर का वो है, क्या बोलते हैं चेकिंग का। ट्रेन में मतलब कुछ आप परचेज भी कर सकते हो, खाने पीने की चीज़ें हल्की हल्की, जैसे चॉकलेट्स वगैरह। देखता हूँ मैं भी, लोगों को देख रहा था कि पैसा लेके जा रहे हैं और कुछ ला रहे, मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि एक्चुअली मिलते क्या क्या है। इंग्लिश किसी को नहीं आती है भाई साहब, सब नियत, नियत मतलब ना, दा मतलब हाँ, और मैंने वही पूछ रहा हूँ कि तेपोनी माइस इंग्लिश की मतलब डू यू नो इंग्लिश, तो नियत 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 हर जगह सिर्फ नियत, अपनी नियत अच्छी है बट क्या करें। तो ये मैंने पानी की बोतल ली है 60 रूबल की, 60 रुपये की, पानी महंगा है रशिया में रियली, क्योंकि 35 रुपीज से स्टार्ट होता है कोई भी सस्ती बोतल, और ट्रेन में तो ये अच्छी बोतल ही मिल रही है 60 रुपये की। अब वैसे ये सारी चीज़ें ऐसे मिलती है, कुछ भी आप परचेस कर सकते हो। जैसे कि अगर रेट्स की बात करूँ तो इस पर तो रेट्स लिखे नहीं है, बट पूछ लेता हूँ मोहतरमा से। एक्सक्यूज़ मी, कहाँ गई, कहाँ गई, एक्सक्यूज़ मी, हाउ मच पिस्ता, रेट रेट कॉस्ट प्लीज। बहुत महंगा रहेगा क्योंकि रशिया में खाना बहुत महंगा है, और ये तो इत्तू से पिस्ता देख लेना कितने का, 105 रूबल। ओके एंड दिस बार बार क्यों जा रही है, कोई भी प्रोडक्ट्स है ना खाने पीने की चीज, अगर इनको रेट नहीं पता है लिस्ट में देखते रेट्स। अब बाप रे इतनी कितनी लिस्ट है, इतने प्रोडक्ट तो है भी नहीं, हाँ इतने प्रोडक्ट तो है भी नहीं और इतनी बड़ी लिस्ट, सही है। अरे ये तो फ्री में लग रहा है पानी, इज दिस फ्री, फ्री यस ओके, मतलब यार मेरे पास तो खाली बॉटल है नहीं, वरना तो ये फ्री है, ठीक है, और खाली बॉटल लेके आना और 60 रुपया बचाना, पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ये फ्री में है पानी की सुविधा। सो एक और बात रशियन रेलवे की बहुत शानदार लगी, मजा आ गया सुन के, कि ये माइक्रोवेव ये जो भी है ना सब चीज आप यूज कर सकते हो। जी हाँ पैसा भले 60 रुपीज वगैरह महंगा है, लेकिन पानी ऐसे भी महंगा है रशिया में नो प्रॉब्लम, बट ये माइक्रोवेव वगैरह आम पब्लिक भी जो जो यात्री है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और रिफिल भी यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं पानी, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े की बात है एकदम। चलो तो आप लोगों को अभी ट्रेन के टॉयलेट में लेके जाता हूँ, ट्रेन का टॉयलेट बताता हूँ, अभी यही रह गया है क्या करें अभी। अच्छा हाँ ये भी बताता हूँ कि जैसे कि रशिया में मैंने पहले भी कहा था चार्जर ऐसे लगते हैं, तो जिसका वो छोटा रहता है चार्जर वो नहीं लगेगा, अरे यूनिवर्सल चार्जर लाना पड़ता है तो ही वो लगेगा, ठीक है। ट्रेन में भी वो सीन है, हॉस्टल में भी वो सीन है। अब ये टॉयलेट और ये रहा मैं और ये रहा सब कुछ जो भी आप देख पा रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, ना हैंड शावर है ना कुछ है, टिश्यू पेपर, जिंदाबाद से यहाँ पे काम होता है, चाहे हॉस्टल हो कि कुछ भी हो, दिस इज़ रशिया, वेलकम टू रशिया।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और फाइनली हम पहुंच गए सेंट पीटर्सबर्ग, एक शहर से दूसरे शहर रशिया में पहुंच गए फाइनली। और सुबह के बजे अभी 5 और बहुत अच्छी सी नींद आई। मतलब क्या बताऊँ कि ऐसी नींद ना मेरे को कोई भी ट्रेन जर्नी में कभी नहीं आई। 7 घंटा तो दवा के सोया हो। बस 3:30 बजे के आसपास सुबह मेरी थोड़ी सी आँख खुली तो मैंने देखा कि धूप चल रही है। मतलब सही में रशिया में समर्स बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी भी 5 बजे तो बहुत कड़क धूप है, अच्छा लग रहा है। और लेकिन टेम्परेचर लो है, 12 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर, तो थोड़ा सा यू नो अच्छा लग रहा है, कहने का मतलब है। तो फाइनली हम पहुंच गए सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन के बाहर। जैसे ही आते हो तो बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत खूबसूरत सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या फिर कलरफुल है, सैचुरेशन अच्छा है, तो आपको ज़्यादा रोमांटिक लगेगा एज़ कम्पेयर टू मॉस्को। सेंट पीटर्सबर्ग ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और बस अभी मैं अपने हॉस्टल पहुँच रहा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर एग्जैक्ट। गूगल मैप के सहारे से मैं देख रहा हूँ कि विच इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू रीच माई हॉस्टल। तो 2 ऑप्शन है, यहाँ से मेट्रो भी जाती है, एक ही स्टॉप है, और बस भी जाती है। तो मैं सोचा बस पकड़ता हूँ, क्योंकि बस ऑलमोस्ट 2 मिनट में आ ही रही है। गूगल मैप्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप जैसे ही अपना हॉस्टल डालते हो, अभी कोई भी लोकेशन डालते हो और डायरेक्शंस पे क्लिक करते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं कि मेट्रो है, बस है, कितना चलना है, क्या करना है। तो बस अभी ये बस स्टैंड है, ये रहा, अभी पकड़ के 55 रूबल्स लगेंगे और सीधा हॉस्टल जाता हूँ। और हॉस्टल मिलते वहाँ पे अर्ली चेक इन उन्होंने अलाउ कर दिया, सुबह के बजे है 6। यहाँ पे ये मोहतरमा पासपोर्ट और टिकट चेक करेगी और उस हिसाब से सीट मतलब हेल्प करेगी, अगर आप पूछोगे तो सीट बताने में, दैट्स इट। और हर डब्बे के बाहर ये देखो, 12 नंबर के डब्बे के बाहर ये मोहतरमा, नहीं ये देखो, ये 12 नंबर डब्बे के बाहर ये जनाब खड़े हैं। किधर? अरे भाई ना, जनाब दिखाना। ये देखो, ये 12 नंबर डब्बे के बाहर ये जनाब खड़े हैं, ये नहीं, एक कम।